अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बड़ा ही संजीदा मौजू, आखिर वक्फ बोर्ड एक्ट भाजपा हुकूमत क्यों लाना चाहती है। ऐसा नहीं कि इस पर इससे पहले बहस नहीं हुई, पर मुसलमानों की हमेशा से ही कैफियत रही कि हम देर से ही जागने की कोशिश करते हैं। मतलब अब वक्फ बोर्ड पर बात हो रही तो वक्फ बोर्ड का डिस्कशन भी हो रहा है, तस्करा हो रहा है, बहस मुबासे भी देखे जा रहे हैं। हम देर से जागने की कोशिश करते हैं। वैसे अक्सर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड क्या है मालूम नहीं। इन्हें लगता है कि देवबंदी बरेली या किसी मसलकी अख्तलाफात दरपेश आने के बाद मस्जिद में वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए। दरअसल भाजपा या मोदी हुकूमत हमेशा जब भी मुल्क में इनकी सियासी साख गिरने लगती है तो इस तरह का कोई नया शगुफा या कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं जिससे मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इससे पहले भी आपने तीन तलाक वाला मामला देखा होगा, क्योंकि मुल्क में दिगर मसाइल प्रायोरिटी पर सुलझाए जाने चाहिए। लेकिन मुल्क में एक समाज को निशाना बनाने से इन्हें सुकून तो मिलता ही है, पर साथ में अवाम की यानी कि दिगर अवाम की भी दिशा भूल की जा सकती है। आज संसद में इस बिल को पेश किया गया जिसकी विपक्ष ने खुलकर मुखालफत की। तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसे गैर संवैधानिक बताते हुए इसे न लाने की बात कही, पर भाजपा एनडीए घटक दल इसकी हिमायत में है। आखिर इस बिल को क्यों पेश किया जा रहा है। आजादी के पहले से लेकर वह बोर्ड बनाया गया था, वह बोर्ड का इस कानून को तश्कील दिया गया था ताकि मुसलमानों के मस्जिद दरगाह मदरसे और खानकाह इदारों की तरक्की हो सके। भारत में सबसे ज्यादा डिफेंस रेल के बाद वक्फ की ही जमीन बताई जाती है। अब जब वक्फ बोर्ड कानून के तरमीम की बात चल रही है तो मुस्लिम उलमा इकराम जिम्मेदारान ने इसकी सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि एक तरफ वक्फ बोर्ड को माजूर यानी कि लंगड़ा लूला करने की कोशिश भाजपा की जानिब से की जा रही है। जैसा हमने पहले भी कहा था, वक्फ से मुराद ही मुसलमानों से डोनेट करदा जमीन है जो वक्फ बोर्ड इनकी तरक्की के लिए मस्जिद मदरसा खानकाह इदारों की देखभाल के लिए खर्च करती है। मुकामी लोगों की कमिटियां भी इसके जरिए से तश्कील दी जाती है ताकि इसका हिसाब किताब भी रखा जा सके। एक बात यह भी है कि औकाफी इदारों से जो मिल्कियत इनकम हासिल होती है मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए तालीमी हो या समाजी हो इनके खातिर खर्च किया जाता है। 1923 से लेकर अब तक ये सिलसिला मुस्तकिल चलता आ रहा है, पर अब भाजपा या संघ परिवार के लोग अपना तसल्लुत यानी कंट्रोल लाना चाहते हैं या अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। भले ही जाहिर में कुछ नजर ना आए लेकिन धीरे धीरे इसे एक तरह से खत्म करने की ही साजिश कह सकते। हो सकता है कि इन्हीं संघी भाजपाइयों की जानिब से वह बोर्ड की जमीनों को बेचा भी जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि रेल रक्षा नुजूल की जमीन जिस तरह से हुकूमत बेच रही है उसी तरह से वह बोर्ड की जमीन भी मोदी सरकार बेचना चाहती है। भाजपा एक रियल इस्टेट एजेंट की तरह काम कर रही है, जिसका मतलब यही निकलता है कि वक्फ बोर्ड को बेचने के लिए इस तरह का बिल मंजूर करवाना चाहती है। क्या भाजपा वक्फ की जमीन नहीं बेच सकती, इसकी कोई गारंटी लिखित में दे सकती है। भारत में जो वक्फ बोर्ड को लागू किया गया है इसमें उमूमन सभी मुसलमानों की इबादतगाहें, पर अब और तरमीम करते हुए इसमें भोरा आगा खानिया या शियाओं को भी शामिल किया जा रहा है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई जमीन या मिल्कियत को वक्फ बोर्ड में देना चाहता है तो मरकजी हुकूमत के पोर्टल में रजिस्टर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया गया तो हुकूमत इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगी, क्योंकि अब तक ऐसा होता रहा है जो भी इमदाद वफ करना चाहता है तो उसका नाम जाहिर नहीं किया जा सकता था या नहीं करना चाहते थे। एक और अहम मसला यह भी पेश आएगा, जैसे मान लो कि हुकूमत ने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है और किसी मसले के तहत वह बोर्ड में लाना चाहते हैं, यानी कि वह जमीन को वह बोर्ड में लाना चाहते तो वह जमीन हुकूमत की ही होगी, वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी और जब भी हुकूमत इस पर कब्जा करना चाहेगी कर सकती है। नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड की कमेटी में दिगर अपराधों के साथ दो खवातीनों को भी लाजिमन रखना होगा। वक्फ एक्ट 1995 की दफा 40 को भी हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड अपने मुताबिक किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ मान लेती थी तो वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाता था, पर अब नए कानून के मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी जब तक हुकूमत इजाजत ना दे वक्फ में शामिल नहीं हो सकती। यहां पर यानी कि जिले सतह पर वहां के डीसी का भी दखल होगा। नए कानून के मुताबिक मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी, बोरा शिया आगा खानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इसकी यह थी कुछ मुख्तसर तफसीलात। दरअसल इनका मकसद ये है कि पहले से बिखरे हुए मुसलमानों को और तकसीम किया जाए और तोड़ा जाए। दूसरा एक अहम पहलू यह भी बताया जा रहा है कि मोदी और भाजपा के दोस्त मुकेश अंबानी का घर जिसे एंटेलिया कहा जाता है 15,000 करोड़ का यह बंगला है, दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। 2002 में जमीन की खरीदी हुई
4532 स्क्वायर मीटर वाली यह जगह 21.5 करोड़ में खरीदी गई थी। अब यह 15,000 करोड़ का घर वक्फ की जमीन पर होने से मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट को ही बदलने की कोशिश करते हुए क्यों ना इसी के आड़ में तमाम मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाए, ताकि वक्फ के साथ इनकी मईशत को भी कमजोर किया जा सकता है। इस तरह की भी बातें कही जा रही है। खैर, औकाफ की जमीन को बेलगाम जैसे छोटे शहर में भी देखते हैं तो कई जगहों पर औकाफ की जमीन पर कॉलोनियां, अपार्टमेंट, होटल, अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल तामीर किए जा चुके हैं। अब इन्हें बेचने वाले या इनके साथ सौदा करने वाले कौन होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने ही तो होंगे, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहां खड़ी की गई है। आज अगर हालात इस तरह के बने हुए हैं तो मुसलमान भी इसे कहीं तो जिम्मेदार है। यकीनन मुखालफत होनी चाहिए, क्योंकि वक्त जमीन मिल्लत का सरमाया है। पर क्या मुस्लिम कायदों ने व बोर्ड के जिम्मेदारों ने मिल्लत के इस मिल्कियत में खयानत नहीं की है? हालात आ रहे हैं तो तजिया भी जरूरी हो जाता है। कहने को सभी खासकर मुसलमान कहते हैं कि वक्फ की मिल्कियत गोया अल्लाह की मिल्कियत है, पर इसे बेचने, गैर कानूनी तौर से और गैर कानूनी कामों को अंजाम देने में मुसलमान जरा बर भी खौफ खुदा नहीं रखते, ये भी उतना ही सही है। बेंगलोर में मुस्लिम लीडरान ने तो वक्फ की जमीन पर 5-स्टार होटलों को तामीर किया हुआ है। कहीं तो अपनों में भी गद्दार हैं, तो कुछ गैर सियासी लीडरान ने भी अपने बाप की जमीन समझकर कब्जा जमाए बैठे, जिसके खरबों में कीमत हो सकती है, और शायद इस चोरी को जायज ठहराने के लिए इस तरह नए कानून लाए जा रहे हैं। ये एक अलग मसला है। फिलहाल वह बोर्ड ही को हजम करने की साजिश भाजपा मोदी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। आज इस बिल को संसद में पेश किया गया, मुखालफत भी हो रही है। इतना तो जरूर है कि मुसलमानों की मिल्कियत को सरकारी बनाकर बेचने की साजिश ही नायाब व बोर्ड बिल कहा जा सकता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।